तो हेलो टेक लवर, क्या हाल चाल है गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने नोट सीरीज बाय करनी है, जो कि 4 जनवरी को लॉन्च हो रही है इंडिया में। और इस सीरीज में हमको 3 फोन देखने को मिलेंगे गाइस, रेडमी नोट 13 प्रो और प्रो प्लस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सीरीज में कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा फ़ोन ओवर प्राइज है और कौन सा हमको बाई ही नहीं करना है गाइस। साथ ही हम इनको कंपेयर करेंगे पिछली नोट सीरीज़ के साथ, और साथ ही मैं इन फोनों के कॉम्पिटिटर्स भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। बट सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी तगड़ी म्यूजिक वीडियोस देखने के लिए। साथ चलते हैं वीडियो में आगे गाइस। जो नोट सीरीज पहले इंडिया में लॉन्च होती थी तो कितनी ज़्यादा हाइप हो जाती थी, हर बंदा नोट सीरीज को ही पूछता था, क्योंकि पहले के समय में इनमें बहुत ज़्यादा हमको अपग्रेड देखने को मिलता था। जैसे नोट 7 में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता था, जो उस समय के लिहाज से एक बड़ा अपग्रेड था नोट 6 के मुकाबले। नोट 8 में हमको वही कैमरा 64 का और प्रोसेसर G90T देखने को मिलता था मीडियाटेक का, कि एक बड़ा अपग्रेड था जिसकी वजह से वो भी सीरीज बहुत फेमस रही थी गाइस। और नोट 9 में हमको प्रोसेसर का चेंज देखने को मिला था और डिज़ाइन का, बट स्टिल वो सीरीज भी बहुत अच्छी चली थी गाइस। नोट 10 सीरीज है वो मेरी पर्सनली फेवरेट सीरीज थी गाइस, उसमें आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता था, डिस्प्ले भी, और उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते थे गाइस। और जो नोट 11 सीरीज थी उसमें हमको कुछ खास अपग्रेड नहीं देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंडिया में नोट सीरीज की हाइप थोड़ी कम होती जा रही है। और नोट 12 में आपको सभी फ़ोन 5G देखने को मिल जाते हैं, बाकी सभी चीज़ें सेम देखने को मिलती हैं इस फ़ोन में भी। और जो रेडमी वालों की नोट सीरीज है गाइस, जिसकी वजह से ही शामी इंडिया पहले नंबर पर था, बट आज की डेट में शामी तीसरे नंबर पर आ गया है गाइस, और सैमसंग और वीवो वाले ने इसकी जगह ले ली है। रेडमी वाले इंडिया में नोट सीरीज लॉन्च करते थे तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च होती थी वो सीरीज। आज की डेट में शामी की नोट सीरीज 30,000 के आसपास पहुंच गई है, जिसकी वजह से भी इसकी हाइप थोड़ी कम हो गई है गाइस। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा किस कारणों के कारण नोट सीरीज़ की हाइप कम हो गई है इंडिया में। तो बात करते हैं रेडमी नोट 13 की गाइस। तो सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, इसमें आपको डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो स्नैपड्रैगन 695 के आसपास की परफॉर्मेंस आपको दिलाता है। और कैमरा इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बट स्टिल इसमें आपको अल्ट्रा वाइड नहीं देखने को मिलता, जो कि हमको रेडमी नोट 12 में देखने को मिलता था गाइस। इसमें जो अपग्रेड हुआ है, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, रेडमी नोट 12 में हम गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता था गाइस। अपग्रेड है गाइस, इसमें आपको मोनो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, उसमें रेडमी नोट 12 में हमको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते थे। तो क्या अपग्रेड किया है शामी वालों ने, प्राइसिंग को कम रखने के लिए शामी वालों ने ऐसा किया होगा। बाकी इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, भी चेंज नहीं हुआ है गाइस। और रेडमी नोट 13 का एक और डाउनग्रेड है गाइस, कि इसमें हमको 1000 निट की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और रेडमी नोट 12 में हमको 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती थी, जो कि एक और डाउनग्रेड है। और शामी वाले, मुझको पता है, प्राइस कम रखने के लिए ही ऐसे काम कर रहे हैं गाइस। इसमें आपको हाइब्रिड सिम देखने को मिलती है, या आप दो सिम लगा सकते हैं या एक सिम और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। और जो रेडमी नोट 12 था गाइस, उसमें आपको डुअल सिम और SD कार्ड के लिए अलग से जगह देखने को मिलती थी गाइस। रेडमी नोट 12 है आज की डेट में 15,000 का उसका बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, और आपके हिसाब से इसकी प्राइसिंग क्या होगी? मेरे हिसाब से मुझको लगता है ये आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा गाइस। अगर 13-14,000 तक आ जाता है तो ये डील इनसेन हो जाती है, रेडमी नोट 13 वैल्यू फॉर मनी आपके लिए बन जाता है। बाकी 15,000 के आसपास ही इसका प्राइस रहने वाला है। ये थी रेडमी नोट 13 की डिस्कशन गाइस। वैसे आप बताओ आपको ये फोन कैसा लगा है। तो अब बात करते हैं रेडमी नोट 13 प्रो की गाइस, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखाई दे रहा है मुझको नोट सीरीज में, क्योंकि हमको स्नैपड्रैगन 7S Zen 2 देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा इस, तो ये हमको 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है, और ये पहला फ़ोन है गाइस जिसमें हमको ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस भी हमको तगड़ी वाली इसमें देखने को मिल जाएगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है गेमिंग के लिहाज से आप। और गाइस, जो इसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलता है स्क्रीन में, और इसमें अपग्रेड देखने को मिलता है, वो है गाइस इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको 1.5K रेजोल्यूशन वाली OLED वाली फुल HD प्लस वाली 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस वाली एक तगड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है गाइस, जो कि एक मेजर अपडेट है इस फोन में गाइस। 5000 mAh की बैटरी और 67 वोल्ट चार्जर देखने को मिलता है। और जो इसका दूसरा मेन अपग्रेड है गाइस, वो है 200 मेगापिक्सल विद OIS
और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल फालतू का सेंसर देखने को मिल जाता है गाइस। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी पूरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये फोन मुझको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसके बेस वेरिएंट को बाय कर सकते हैं गाइस, आपके पैसे पूरी अच्छी जगह ही लगेंगे। इंडिया में आएगा तो तब हम इसके कैमरे के बारे में भी बात करेंगे। ऑन पेपर इसका कैमरा तगड़ा लग रहा है मुझको। एक और डिफरेंस है गाइस, इसमें आपको इनबिल्ट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि हमको पहले नहीं देखने को मिलता था। बाकी लुक एंड डिजाइन वाइज भी ये फोन तगड़ा है गाइस, सभी स्पेसिफिकेशन को रखा जाए। इसका कॉम्पिटिटर रहेगा गाइस वो है IQ Z7 Pro गाइस, क्योंकि उसमें आपको तगड़ा वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आपको चाहिए तगड़ी परफॉर्मेंस तो आप IQ Z7 Pro को भी बाय कर सकते हैं, वो इससे थोड़ी आपको ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा देगा गाइस। क्योंकि उस फोन में आपको डायमेंसिटी 7200 देखने को मिलता है जो कि आपको स्नैपड्रैगन 865 के आसपास की परफॉर्मेंस दिलाता है। कुछ एडवांटेज उस फोन में देखने को मिलती है और कुछ एडवांटेज इस फोन में देखने को मिलती है। IQ Z7 Pro का प्राइस के बारे में बात करूं तो वो आपको 24,000 का उसका बेस वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, और जब ये फोन लॉन्च होगा तो ये भी मुझको लगता है 25,000 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच तगड़ी टक्कर होने वाली है गाइस। से आप बताएं आपको Redmi Note 13 Pro कैसा लगा, ये मुझको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है सीरीज में गाइस। बात करते हैं Redmi Note 13 Pro Plus की गाइस। गाइस इसमें आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलता है इसकी डिजाइन में। इसमें आपको वीगन लेदर फिनिशिंग देखने को मिलती है। जो गाइस इस फोन की मेन हाईलाइट रहने वाली है वो है इसके साथ IP68 रेटिंग गाइस। वाटरप्रूफ हो जाता है फोन, डस्ट प्रूफ भी। Redmi Note 13 Pro और 13 Pro Plus में सेम देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है दोनों में। मेन डिफरेंस है इनकी डिस्प्ले में। इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलती है, उसमें आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है गाइस। बाकी इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और 120 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है गाइस। और जो गाइस इसका प्रोसेसर है वो आपको Dimensity 7200 अल्ट्रा देखने को मिलता है, जो कि Dimensity 7200 के आसपास की परफॉर्मेंस दिलाकर देता है आपको गाइस। कि इसका मेन कॉम्पिटिटर तो IQ G7 Pro है गाइस, बट आपको जिस प्राइस पर 7200G दिलाकर दे रहा है और वो आपको 24,000 के आसपास देखने को मिलता है, पर जो Redmi Note 13 Pro Plus होगा गाइस वो आपको 13,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेड ओपिनियन है। अगर ये आता है 13,000 के आसपास गाइस, इसके मेन कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं वो है IQ Neo 7 Pro और Samsung S21 FE 2023 वाला मॉडल, क्योंकि Samsung में आपको बेटर UI देखने को मिलता है, बेटर कैमरा देखने को मिलता है और IQ में आपको तगड़ा वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और ये फोन इन दोनों के बीच स्टैंड करता है गाइस। ओपिनियन दो गाइस तो मुझको Redmi Note 13 Pro सबसे ज़्यादा वैल्यू फोन मनी लगा है। अगर आप बाय करना चाहते हैं कोई भी फोन इस सीरीज में तो आप Redmi Note 13 Pro ले सकते हैं गाइस। अपग्रेडेशन मिलेगा और स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। Redmi Note 13 में इतना कुछ आपको अपग्रेड नहीं देखने को मिलता है कि आप अगर बजट नहीं बढ़ा सकते तो आप अपनी तरफ भी जा सकते हैं गाइस। ये थी सारी Redmi Note सीरीज का जो कि आपको 4 जनवरी को देखने को मिलेगी गाइस। अगर Redmi वाले Note सीरीज को इन प्राइजेस पर लॉन्च करेंगे गाइस तो मामला थोड़ा सा गर्म हो सकता है मार्केट में। इस बार थोड़ा सा अपग्रेडेशन हमको देखने को मिल जाता है इस सीरीज में। वैसे आप इनमें से कौन सा फ़ोन बाय करेंगे, मैंने अपना सारा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया है, कौन सा फ़ोन आपके लिए सही है कंपैरिजन कर दिया है, कॉम्पिटिटर्स बता दिए हैं कि इस बार Xiaomi वालों ने थोड़ा अच्छा काम किया है अपनी Note सीरीज पर अगर इनको कंपेयर किया जाए पिछली Note सीरीज से गाइस। बाकी देखते हैं 4 जनवरी को गाइस क्या होता है, किन प्राइसेस पर ये फ़ोन आते हैं। वैसे मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर किए होंगे नोट सीरीज़ के हिसाब से। बाकी अगर आपको नोट सीरीज़ के रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा गाइस। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस ऐसी तगड़ी वाली, तो तब तक के लिए बाय गाइस।